श्री अम्मा अय्यंगर का जन्म 13 अगस्त 1963 में शिवकाशी तमिलनाडु में पिता अयप्पन और मां राजेश्वरी को पैदा हुई। जब वो 4 साल की थीं, तभी उन्होंने तमिल फिल्म थुनाइवन से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिर आई कंदन करुणाई, जिसमें उन्होंने भगवान मुरुगा का किरदार निभाया। ऐसे देखते देखते उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा फिल्मों में बेबी श्रीदेवी के नाम से काफी फिल्में की और मशहूर हो गईं। और हिंदी फिल्मों में उन्होंने शुरुआत की फिल्म जूली से, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का रोल निभाया। श्री पैदा हुई श्रीदेवी बनने के लिए। श्री श्रीदेवी इसलिए हैं क्योंकि कायनात चाहती थी कि वो देवी बने। श्री बचपन में अभिनेत्री बनी। उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को अपनी अदाकारी से पीछे छोड़ दिया। यश चोपड़ा जी की नजरों में श्रीदेवी वो अदाकारा हैं जो किसी भी किरदार में चुटकियों में घुस जाती और चुटकियों में बाहर निकल आती। डायरेक्टर सेट पर आके उन्हें सीन समझाते, वो चुपचाप से सुनती और फिर वो अपने किरदार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती। डायरेक्टर बोलते, स्टार्ट, कैमरा, फुल लाइट्स एंड एक्शन। ये शब्द उनके लिए ऐसे जैसे 1000 वोल्ट की ताकत। अगर डायरेक्टर चाहते कि वो रोए तो बिना ग्लिसरीन के, बिना किसी मदद के, बिना किसी के समझाए कि सीन में किस तरह और कब रोए, श्री अपनी अदाकारी में लुप्त हो जाती। एक ऐसा समय आया कि पूरा हिंदुस्तान उनका गुण गा रहा था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा श्रीदेवी। उनका जादू उन्हें उस मुकाम पर ले गया जहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें नंबर 1 एक्ट्रेस समझा और सब जान गए कि कोई भी कलाकार उन्हें टक्कर नहीं दे सकता। श्री ने हर किस्म के किरदार किए और वो अपनी अदाकारी के लिए युगों युगों तक जानी जाएंगी।